सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। पलामू पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने आज अपने आवासीय परिसर में जिले के 46 टॉप छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, पेन व एक पौधा देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि पलामू जिले में यह पहली बार है कि जिले के टॉप छात्रों को जिले के एसपी द्वारा सम्मानित किया गया हो। सम्मानित होने से पहले छात्र छात्राओं से परिचय प्राप्त किया गया, साथ ही उनसे उनका लक्ष्य भी पूछा गया, जिसमें कई छात्र टीचर बनने की बातें कही तो कई पुलिस ऑफिसर तो कई डॉक्टर तो कई इंजीनियर बनने की बातें कही। इस दौरान एसपी श्री सिन्हा की पत्नी कंचन सिंह व माता संयुक्ता प्रसाद भी मौजूद थी। एकदम घरेलू वातावरण में हुए इस तरह के कार्यक्रम के दौरान प्रशस्ति पत्र पाकर छात्र छात्राएं काफी अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे थे। इस दौरान सभी छात्र छात्राएं से बारी बारी केक भी कटवाया गया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक श्री सिन्हा ने जिले के हर प्रखंड से दो दो टॉप छात्रों को इस कार्यक्रम में शामिल किया था। मौके पर छात्र छात्राओं के अभिभावक भी मौजूद थे, जो इस कार्यक्रम का गवाह बने हुए थे। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए एसपी श्री सिन्हा ने उपस्थित छात्रों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति सजग रहने की बातें कही, साथ ही लक्ष्य की तैयारी कैसे करनी है इस पर विस्तार से बताया। कहा, सफल वही हो सकता है जो अपने लक्ष्य के प्राप्ति के प्रति दृढ़ निश्चय रखता हो। वहीं एसपी श्री सिन्हा की धर्म पत्नी कंचन सिंह ने भी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उनका उत्साह वर्धन किया, साथ ही छात्राओं को पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ने की भी बातें कही। कहा, समाज बदलने के लिए सिर्फ आप आगे नहीं बढ़िए, बल्कि आप अपने गांव के दो कमजोर छात्रों को भी अपने साथ लेकर बढ़ाएं, तभी समाज में बदलाव आएगा। इस दौरान छात्र छात्राओं में काफी हर्ष का माहौल देखा गया। दूसरी बात कि आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा है। कोविड का काल था, स्कूल बंद था, कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं कुछ भी नहीं हो रही थी पढ़ाई, इसके बावजूद भी आप लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग जो है पलामू जिले का मान बढ़ाइए, आगे मेहनत से पढ़ाई कीजिए। कुछ दिन बाद हमको लगता है स्कूल कॉलेज सब चालू हो जाएगा। इन्होंने जो भी लक्ष्य रखा है, अभी मैडम पूछ रही थी तो आप लोग बता रहे थे कि कोई टीचर बनना चाह रही है, कोई पुलिस में आना चाहती है, कोई डॉक्टर बनना चाहती है, तो लक्ष्य को पाने के लिए केवल सोचना ही नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी। और मेहनत का एक जो है, जो मेरी समझ में आता है, बाकी तो आप लोग भी बुद्धिमान हैं, कि एक
एनुअल वर्क प्लान जिसको बोलते हैं वार्षिक प्लान बनाइए पढ़ाई का। जैसे मान लीजिए कि हमने प्लस टू में एडमिशन लिया, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में लेगा, कोई हिस्ट्री साइंस ज्योग्राफी में लेगा, जिसका जो भी सब्जेक्ट है, तो आपके पास पढ़ाई के लिए अगर दो साल है तो पहले साल के लिए टारगेट फिक्स कीजिए कि किताब का आधा हम कैसे पढ़ाई भी कर लेंगे, उसका रिवीजन भी कर लेंगे। तो अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट लिए, कोई हिस्ट्री लिया है, और मान लीजिए हिस्ट्री में क्लास 11 में 14 चैप्टर है, तो 14 चैप्टर है और आपके पास 12 महीना है, 12 महीने में आप मान के चलिए कि आपका एक दो महीना कहीं ना कहीं किसी काम से डिस्टर्ब हो जाएगा। कभी आप रिलेटिव के यहाँ जाएंगे या रिलेटिव आपके यहाँ आएंगे, और अन्य व्यवस्थाएं हो सकता है, कहीं आप खेल कूद में पार्टिसिपेट कर रही हो, तो आप मान के चलिए कि एक दो महीना आपका ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। दो तीन महीना आप रिवीजन में रखिएगा, तो आप मान लीजिए 7 महीना मान के चलिए कि एक साल में 7 महीना है मेरे पास शुद्ध पढ़ाई का, और 14 चैप्टर हिस्ट्री का है, तो एक महीने में हिस्ट्री का कितना चैप्टर पढ़ना है हमको, दो। इस तरह से और भी सब्जेक्ट होंगे, तो इस तरह से आप अभी कौन सा महीना, अभी अगस्त है, तो सेप्टेम्बर में किस विषय का कौन कौन सा चैप्टर हम पढ़ेंगे कि 7 महीने में हमारा पूरा कोर्स कवर हो जाए, और वह एक नोटबुक में नोट कर लीजिए। और यह देखिए कि जब हमारा 15 दिन गुजरा तो क्या इस 15 दिन में वो टारगेट हम पूरा कर पाए जो हम सोच के रखे थे। अगर किसी कारण से वो टारगेट से पीछे रह गए तो अगले 15 दिन में हमको मेहनत ज्यादा करनी होगी। इस तरह से वार्षिक प्लान पढ़ाई का तैयार कीजिए, और वह वार्षिक प्लान के अनुसार आप पढ़िए। 7 महीने में कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद रिवीजन का समय चाहिए, और फिर लास्ट में परीक्षा के समय का रिवीजन, समझ गए ना, एटलीस्ट 3 बार करना पड़ता है, तभी आपके दिमाग में परीक्षा के दिन याद आएगा बात। और जो वर्क प्लान आप बनाएंगे उसको एक कॉपी में लिख के रखेंगे, एक महीने बाद हम जब भी आपके क्षेत्र में जाएंगे तो हो सकता है हम आपके घर पहुंच जाए, उस कॉपी को देखेंगे आपसे कि आपने वो वर्क प्लान तैयार किया है अथवा नहीं, और उस वर्क प्लान के अनुसार आप काम कीजिए। हमको लगता है कि आपकी पढ़ाई में आपकी जो मंजिल सोचे हैं वो मिलेगा, और पलामू जिले का नाम रोशन करेंगे। खास करके हमको कि हमारे जितने लड़के हैं उतनी ही लड़कियां ही भी यहाँ पे मौजूद हैं, और हम सब जानते हैं आजकल के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, वैसे तो आजकल लड़के लड़कियों के बीच भेद बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाकी है। इस कारण हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत बार हम लोग 8वीं 9वीं 10वीं तक तो लड़कियों को पढ़ा लेते हैं, लेकिन उसके बाद होता है कि चलो अब कॉलेज दूर है, कहाँ एडमिशन लेने जाएगी, घर में ही रह जाओ, अब थोड़ी बड़ी हो गई है शादी कर देते हैं। तो ये सब भी बातें अभी भी बहुत समाज से ख़त्म नहीं हुई हैं, तो इसमें हम लोगों का दायित्व तो और बढ़ जाता है कि हम चूँकि अच्छे नंबर से पास हुए हैं तो हम ये जिद कर सकते हैं कि नहीं हम आगे पढ़ेंगे और हमको पढ़ना ही है। जो लोग उतने अच्छे नंबर से पास नहीं हुए हैं उनको भी हमें देखना है। तो यहाँ पे जो हमारे लड़के और लड़कियाँ हैं इन लोगों को हम लोग मतलब क्या चेंज एम्बेसडर मान सकते हैं कि हम अपने वापस ब्लॉग में जब जाएंगे तो हम तो पढ़ेंगे, हमको पता है कि हमको क्या बनना है, उसके लिए हम मेहनत भी करेंगे, लेकिन जो हमारे साथी छूट गए हैं जो उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं उनको भी हमको साथ लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि एक हमारे ही आगे बढ़ जाने से समाज आगे नहीं बढ़ जाएगा, जब तक हम सब साथ मिल के नहीं चलेंगे तब तक हम बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ पे आए हैं उनको मेरी तरफ से भी एक टास्क है कि हमारे वो वैसे साथी हम चुन लें, कम से कम दो दो हर बच्चा, जो उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं उनको हम थोड़ा सपोर्ट करके आगे बढ़ाएं, और उनको भी ये प्रेरित करें कि हम थोड़ा और पढ़ लें, थोड़ा और आगे बढ़ जाएं, ठीक है, और उसके बाद ताकि हमारा जो आने वाला जीवन है वो सुखमय हो जाए, कम उम्र में हमारी शादी ना हो जाए, कम उम्र में हमको बच्चे ना पैदा करने पड़ें, ठीक है। तो ये लड़के और लड़कियों दोनों का टास्क है कि अगर किसी गांव में ऐसी चीज़ हो रही है हमारे आसपास कि छोटी उम्र में ही किसी लड़के या लड़की की शादी हो रही है तो ये भी कानूनन अपराध है। तो हम ये जानें कि हमको कम उम्र में शादी ना कर दिया जाए, हमको कम उम्र में कहीं काम पर ना भेज दिया जाए, और हमको ही नहीं हमारे आसपास किसी को ना भेजा जाए। तो वैसी परिस्थिति में भी अगर कोई ऐसा आदमी आपको पता चलता है जो कम उम्र में बच्चों को काम पर ले जाता है तो उसके लिए भी आप अपने जो क्षेत्र में पुलिस परिवार हैं उनकी सहायता ले सकते हैं, उनको बता सकते हैं, थाने में बता सकते हैं, अपने क्षेत्र में जो आंगनबाड़ी सेविका होंगी आपकी कोई ना कोई उनको बता सकते हैं, अपने स्कूल के टीचर को बता सकते हैं कि ऐसी बात है, ठीक है। तो एक टास्क मेरा भी नोट कर लीजिए, ये आपको आने वाले जीवन में बहुत काम देगा।
और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, और आगे आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सब बहुत आगे बढ़ें, बहुत ऊंचे आदमी बने, आप लोगों में से कोई कभी इस आवास में भी आकर रहे।